हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काका सीरीज ऑफ एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी। एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। इन दिस सीक्वेंस दिस इज काका 018। सो लेट्स स्टार्ट। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड गिवन यू अ क्विज, सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। द क्विज वॉज ऑल द राशन कार्ड होल्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर गोइंग टू गेट 45 राइस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ऑप्शंस आर 1 अप्रैल, 14 अप्रैल, 1 मई एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी को अब 45 राइस दिया जाएगा। इसके डिटेल्स को देखते हैं। राशन कार्ड होल्डर्स ऑफ प्रायोरिटी, अंत्योदय, सिंगल डेस्टिट्यूट, डिसेबल्ड कैटेगरी विल गेट 45 राइस फ्रॉम अप्रैल 1st। 1 अप्रैल से इन्हें 45 राइस दिया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड 45 राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन फ्रॉम कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं, उसने ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से किया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट के टाइप में। अब ये पूरे राज्य में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1 अप्रैल से, इसे ध्यान रखिएगा। 45 राइस इज रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन। जो 45 राइस है वो विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन में रिच रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। इन ऑर्डर टू रिमूव द कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया अमंग वेमेन एंड चिल्ड्रेन इन छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ में माल न्यूट्रिशन है बच्चों को और वेमेन्स को, माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया उसे दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट? 45 राइस डिस्ट्रीब्यूशन का। द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट 45 राइस टू प्रायोरिटी फैमिलीज थ्रू गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि जो 45 राइस है उसे सारे जिलों के जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन सब में अब जो प्रायोरिटी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स हैं, सिंगल डेस्टिट्यूट राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उन सबको दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड फोर्टिफिकेशन मीन्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन फूड थ्रू टेक्नोलॉजी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो फोर्टिफिकेशन का मतलब बताया गया है वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ हैं, जो लेवल होता है राइस में उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स को उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ाया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, रिच हो सके और लोगों को हेल्दी बना सके। दिस इज़ डन सो दैट द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट कैन बी रिमूव्ड एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिट द हेल्थ ऑफ पीपल। न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 प्रेजेंट इन इट प्रिवेंट अनीमिया इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन एंड हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो फोर्टिफाइड चावल है इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है उसे डाला जाएगा ताकि वो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो सके और लोगों को हेल्प कर सके ताकि उनमें जो अनीमिया की समस्या है उसे दूर किया जा सके। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अभी हमारे रिसेंटली चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ के नए अपॉइंट हुए हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी,
बी जस्टिस नवीन सिन्हा, सी जस्टिस रमेश सिन्हा एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभी हमारे जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं वो हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अमिताभ जैन अ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स फॉर द नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट मिस्टर रमेश सिन्हा वॉज हेल्ड एट मंत्रालय महानदी भवन ऑन 28 मार्च 2023। जो हमारे चीफ जस्टिस अपॉइंट होने जा रहे हैं जस्टिस रमेश सिन्हा, उनको स्वेरिंग दिलाने के लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? मंत्रालय महानदी भवन में। तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जस्टिस रमेश सिन्हा जी, इसे ध्यान रखिएगा। द न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द न्यू वेज रेट फॉर वर्कर्स ऑफ मनरेगा इज ऑप्शन ए 211, ऑप्शन बी रुपीज़ 221, ऑप्शन सी 250 रुपीज़ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। जो मनरेगा का न्यू रेट इंक्रीज किया गया है वर्कर्स के लिए वो अब कितना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 222 रुपीज़ अब है मनरेगा वर्कर्स का न्यू वेज रेट। इसके डिटेल्स को देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द अमाउंट ऑफ रूरल वेजेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर महात्मा गांधी नरेगा फॉर 2023। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वेजेस को डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे फिक्स्ड किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रॉम 1 अप्रैल लेबर्स वर्किंग अंडर महात्मा गांधी नरेगा स्कीम विल गेट रुपीज़ 222 एज वेजेस। 1 अप्रैल से जितने भी लेबर्स महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें अब 221 रुपए दिया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द लेबर्स डायरेक्टली इन देयर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ आधार अनेबल्ड सिस्टम। ये जो पैसे हैं इन्हें लेबर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। द लेबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ विल गेट वेज एट द रेट ऑफ 220 पर वर्किंग डे, 221 रुपए उन्हें प्रतिदिन दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के लेबर्स जो अब महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करेंगे, तो हमारा नया रेट कितना हो गया है? 221, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है टू प्रमोट ई गवर्नेंस छत्तीसगढ़ इज़ गोइंग टू यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए ओपन फॉर्ज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी न्यू गवर्नमेंट, ऑप्शन सी वर्क कीवा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रमोट किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर। इसके डिटेल्स को देखते हैं। छत्तीसगढ़ इज़ गियरिंग अप टू प्रमोट ई गवर्नेंस विद द यूज़ ऑफ ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है। दिस प्लेटफॉर्म विल एनेबल डिपार्टमेंट्स टू एक्वायर सॉफ्टवेयर ईजली फॉर मॉनिटरिंग देयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स एंड फॉर एक्सपेंडिंग देयर रीच टू द पीपल। ये जो प्लेटफॉर्म है वो डिपार्टमेंट को मदद करेगा ताकि वो अपने सारे प्रोग्राम स्कीम्स और वो कितने हद तक के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं वो सबको मॉनिटर करने में। द मेन ऑफ द वर्कशॉप इज़ टू प्रोवाइड द सिटीजन ऑफ द स्टेट विद द एडवांटेजेस ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर टेक्नोलॉजीज़। इस वर्कशॉप का मेन एम ये है कि लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा सके, से ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? ओपन फोर्ज सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द वेलकम सेरेमनी फॉर न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर रमेश सिन्हा वॉज हेल्ड एट ऑप्शन ए महानदी भवन, ऑप्शन बी इंद्रावती भवन, ऑप्शन सी बहुना भवन, ऑप्शन डी मिनीमाता भवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुना भवन। जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं उनका जो वेलकम सेरेमनी है उनको कहाँ पे वेलकम किया गया है, बहुना भवन में। लेकिन इनको जो ओथ है वो कहाँ पे दिलाया जा रहा है, महानदी भवन में दिलाया जाएगा। जो महानदी भवन है वो छत्तीसगढ़ का मिनिस्ट्री बिल्डिंग है, इंद्रावती भवन डायरेक्टरेट बिल्डिंग है, बहुना भवन जो है वो स्टेट का रेस्ट हाउस है, और जो मिनीमाता भवन है वो असेंबली हाउस है छत्तीसगढ़ का। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके डिटेल्स में देखते हैं। न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वॉज कॉर्डली वेलकम्ड इन बहुना भवन। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रमेश सिन्हा जी, इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है कहाँ पे, बहुना भवन में। द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जस्टिस रमेश सिन्हा वॉज अकॉर्डेड अ वार्म वेलकम बाय प्रेजेंटिंग हिम विद अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन हिज अराइवल एट स्टेट गेस्ट हाउस बहुना। से ध्यान रखिएगा कि इनका वेलकम जो है वो बहुना हाउस में किया गया है। इनको जो ओथ सेरेमनी है इनका वो कहाँ होगा, महानदी भवन में होगा। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम अपने आज के क्विज में आते हैं, जो है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए 14th, ऑप्शन बी 15th, ऑप्शन सी 16th, ऑप्शन डी 17th। जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस जी हैं मिस्टर रमेश सिन्हा जी, वो कौन से सीक्वेंस के हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। That's all for this video. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel and keep enlightening your studies.